का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर इसरो की यूनिट एलपीएससी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर की तरफ से आईटीआई पास आउट और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए यहां पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि अगर आप देखें तो टेक्निकल असिस्टेंट, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, साथ में टेक्नीशियन भी, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टर्नर, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, मशीनिस्ट और इसके साथ साथ हैवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर और कुक की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें आप देखेंगे 2024 का पहला नोटिफिकेशन है। कुछ ऐसी अपडेट्स इस बार रह गई आप सबके लिए, जो कि थोड़ा सा आपको लेट अपडेट मिल गई, क्योंकि रीज़न था आईटीआई का सीबीटी एग्जाम, जिसमें थोड़ी सी व्यस्तता चल रही थी हमारी, इस वजह से कुछ कुछ अपडेट आप सबके लिए हम बना नहीं पा रहे थे। बट अभी आपको रेगुलर अपडेट, एकदम लेटेस्ट जो भी अपडेट्स रहेंगी, समय से मिलती रहेंगी। एंड इसका फॉर्म भरने का वीडियो, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो 10 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, 28 अगस्त से ही फॉर्म स्टार्ट हुए, ज़्यादा दिन का मौका यहाँ पे नहीं दिया गया, सिर्फ 13-14 दिन का मौका दिया गया है। तो आप लोग इसका फॉर्म भरने का वीडियो भी थोड़ी देर में चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग मोबाइल फ़ोन से आसानी से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए पहले डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई, एज लिमिट क्या मांगी गई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा एंड सैलरी क्या होगी, इसके बाद आप सबको फॉर्म भरने का वीडियो भी चैनल पे बाद में अवेलेबल हो जाएगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं साथ में टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके जुड़ सकते हैं। नोटिफिकेशन की अगर डिटेल देखेंगे यहाँ पे 19 अगस्त को ये नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन फॉर्म स्टार्ट हुए 27 अगस्त से। ये आपका तिरुवनंतपुरम के समीप वलियमला और बेंगलुरु में स्थित एलपीएससी की जो यूनिट है उनके लिए आवेदन जो है आमंत्रित किए जा रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में नोटिफिकेशन है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे पोस्ट जो जारी की गई है, बेंगलुरु के लिए एक पोस्ट है सिर्फ एसटी कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस में एक पोस्ट है, यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट है। खिल कुल 10 यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, जिसमें से एक जो है पीडब्ल्यूडी एलवी के लिए यहाँ पे आरक्षित है, लो विजन के लिए, ठीक है। 3 ईयर्स का आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हो फर्स्ट क्लास में तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में बात करें तो यहाँ पे कुल एक वैकेंसी है सिर्फ, ठीक है, वो भी किस कैटेगरी में है, तो वो है आपका ओबीसी कैटेगरी में। तो उसमें ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ एक कैंडिडेट यहाँ पे, मतलब एक पोस्ट है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में आपने डिप्लोमा किया उस केस में। अब बात करें यहाँ पे टेक्नीशियन बी में, तो यहाँ आपका पे मैट्रिक्स क्या रहेगा, देखिए 21,700 आपका इनिशियल बेसिक रहने वाला है, जिसमें आपका डीए एचआरए सब कुछ मिलाने के बाद आपकी सैलरी अप्रॉक्स 35,000 से 40,000 रुपये बनने वाली है। वेल्डर की एक पोस्ट है, वो भी ओबीसी कैटेगरी में है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का आपको कि 10th प्लस एनसीवीटी में आपने वेल्डर किया हो, एनसीवीटी ना कि एससीवीटी, या तो एनसीवीटी से आपने वेल्डर में आईटीआई किया हो, एनटीसी या अप्रेंटिसिप किया हो, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अप्रेंटिसिप कोई ज़रूरी नहीं है, आईटीआई हो या अप्रेंटिसिप हो या आपने एनटीसी या एनएसी दोनों हो, तब भी आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं, लेकिन एनसीवीटी से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 2 पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट है रिजर्व कैटेगरी में, एक है ओबीसी में, 2 में से एक पोस्ट आपकी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी एमडी के लिए आरक्षित है, ठीक है। इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आईटीआई किया हो 10वीं के साथ साथ तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला है टर्नर, एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में, सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, हर कैटेगरी भर सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में, इसमें 10th प्लस टर्नर में आपने आईटीआई किया हो। नेक्स्ट आपका मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में है, सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, आपने आईटीआई किया हो उस केस में। फिटर में टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें से 5 में से एक पोस्ट आपका एक्स सर्विसमैन के आरक्षित है, बाकी 4 पोस्ट में एक पोस्ट अनरिजर्व में, एक ओबीसी में, एक एससी में है, यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में एक है, एक आपका यहाँ पर आई थिंक लास्ट वाला पोर्सन क्या था, ईडब्ल्यूएस था, ठीक है। तो ये पोस्ट है आपकी, इसमें जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हों फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपने फिटर से आईटीआई किया हो। मशीनिस्ट में सिर्फ एक पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी में, तो सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के छात्र या छात्राएं यहां पे फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, आपने आईटीआई किया हो मशीनिस्ट ट्रेड में उस केस में आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 19,900 पे मैट्रिक्स होगा, हैवी व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें 10वीं पास मांगा जाएगा, लेकिन आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैवी व्हीकल चलाने का, या 3 साल का एक्सपीरियंस जो है लाइट व्हीकल चलाने का अगर है आपके पास एक्सपीरियंस, उस केस में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, जिसमें 3 साल आपने हैवी व्हीकल चलाया हो, बाकी आपने लाइट व्हीकल भी चलाया हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 5 है, जिसमें 2 जो है एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। अगली पोस्ट यहाँ पे है लाइट व्हीकल ड्राइवर, इसमें आपके पास 10वीं आपने पास की हो, साथ में आपके पास लाइट व्हीकल चलाने का 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, वैध आपके पास लाइसेंस हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कुल पोस्ट 2 है, एक यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है। कुक की वैकेंसी है, सिर्फ एक पोस्ट है यहाँ पे, वो भी एससी कैटेगरी में है, ठीक है। इसमें आपके पास 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए किसी कैंटीन या होटल को संचालित करने का, उसमें काम करने का 10वीं के साथ साथ, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आपने देख लिया पूरा डिटेल,
अब एज लिमिट की अगर बात करें तो सभी के लिए एज लिमिट जो रखी गई है वो रखी गई 35 साल। यहाँ पे एक चीज़ मिलेगा, पद अस्थाई हैं, तो अस्थाई हैं लेकिन ये कंटिन्यू रहेंगे, मतलब आप एक दो साल में परमानेंट हो जाएंगे, ये सिर्फ लिखा रहता है। जहाँ भी ग्रेड पे मैट्रिक सब कुछ दिया रहे ना, वो पोस्ट कभी भी टेम्प्रोरी नहीं होती है। ठीक, शुरुआत में आप प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे, बाद में आप इसमें परमानेंट हो जाएंगे। एज लिमिट 10 सितंबर तक, मैक्सिमम 35 साल, मिनिमम 18 साल हो जानी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की इसमें छूट मिल जाएगी और मिनिमम 18 साल रखी गई है। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी की लिमिट है 35 साल। इसके बाद यहाँ आप देखें डेट ऑफ बर्थ भी आपका यहाँ पे लिख दिया गया, कब कब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है किस कैटेगरी में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, इसको आप लोग यहाँ पे मिला सकते हैं सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, अब अगली यहाँ पोस्ट है कि तैनाती आपकी कहाँ होगी। तो शुरुआत में तो आपकी एलपीएससी की किसी यूनिट में किया जाएगा, बाद में आपको इंडिया के किसी भी इसरो से रिलेटेड जो भी विभाग होगा वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। आपका प्रमोशन वगैरह भी टाइम टू टाइम यहाँ पे होता रहेगा, आपकी योग्यता के आधार पर वो चीज़ें भी लिखी गई हैं। क्या क्या मिलेगा आपको, तो मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, एचआरए जो गृह निर्माण के अग्रिम कुछ होता है फंड, वो लीव का अलग से आपको मिलता है भत्ता, एनपीएस फैसिलिटी आपकी रहेगी, अन्य जो सामाजिक सुरक्षा उपाय हैं जैसे आकर्षक लाभ हैं कुछ कुछ, वो सारे प्रदान किए जाएंगे आपको सैलरी में जोड़ के। ठीक है, अब नीचे आप आएँ चयन प्रक्रिया की अगर बात कर लें, तो चयन प्रक्रिया में देखिए सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, 10 सितंबर तक जिनके रिजल्ट आ जाएँ, जो पास आउट हो जाएँ, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनके रिजल्ट 10 सितंबर के बाद आएंगे वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जाम की अगर बात करें यहाँ पे 773 से लेकर 780 तक की जो पोस्ट है उसमें 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 90 मिनट का समय मिलेगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, गलत होने पर 0.33 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। स्किल टेस्ट में 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे एंड उसके आधार पर आपका फिर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स पहले ही दे दिया गया है कि जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आप 80 में से कम 32 नंबर स्कोर करें अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट, और जो आरक्षित अभ्यर्थी हैं रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे कम से कम 24 नंबर स्कोर करेंगे 80 में, तो क्वालिफाई माने जाएंगे। बाकी यहाँ पे आपका 50% रहेगा पासिंग मार्क अनरिजर्व का, 40% रहेगा रिजर्व कैटेगरी के केस में। पोस्ट नंबर अगर 781 से 782 की बात करें, जो लास्ट की दो पोस्ट है, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स का यानी 120 मिनट का समय मिलेगा, 0.25 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा, और उसका जो पाठ्यक्रम आपका रहेगा वो भी नीचे दे दिया गया, जैसे मोटर व्हीकल का जो अधिनियम है, एक्ट है, उससे क्वेश्चन रहेंगे 50 टोटल। ठीक है, भाग भी अंग्रेजी रहेगी 8वीं कक्षा के स्तर की, उसके 15 अंक होंगे, गणित होगी 10वीं कक्षा के लेवल की 15 अंक होंगे, और सामान्य ज्ञान होगा 20 अंक होगा। ठीक है, बाकी जो टेक्निकल है उसमें सिर्फ आपके 80 क्वेश्चन पूरे पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट से आएंगे, जैसे आईटीआई है तो आईटीआई के ट्रेड से आएंगे, डिप्लोमा है तो आपके डिप्लोमा के सिलेबस से पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर यहाँ पे। अब अगर बात करें यहाँ पे स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट, एज लिमिट, इन सब की आपकी यहाँ पे क्लियर बातें हो गई। सारी आपकी लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, सब कुछ आपका तिरुवनंतपुरम केरल में ही किया जाएगा, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। ऑल इंडिया पे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा, कोई यात्रा भत्ता, ट्रेन किराया, बस किराया, ये सब देय नहीं होगा आपको, आपको अपने खर्च पे वहाँ पे जाना होगा। जो कैंडिडेट्स स्किल टेस्ट में जाएंगे, ठीक है, अगर वो बाहर से आप जा रहे हैं तो आपको उसमें जो है रेलवे टिकट प्रस्तुत करने पे उसका आपका पैसा जो है वो रिफंड हो जाएगा, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो यही था पूरा नोटिफिकेशन। अब इसमें अगर बात करें कि फॉर्म भरने की डेट क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 27 अगस्त से लेके 10 सितंबर 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन मोड में। थोड़ी देर में आपको फॉर्म भरने का वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर पाएँ। फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए या किसी हल्के रंग का होना चाहिए, ठीक है, चेहरा उसमें आपका साफ दिखना चाहिए। बाकी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रख लेने हैं, सो दैट आप फॉर्म भरते टाइम उन सबको अपलोड कर सकें। फॉर्म भरने की फ़ीस की अगर बात करें तो 773-774 पोस्ट की अगर फ़ीस है 750 रुपये है, जिसमें एग्ज़ाम देने के बाद 250 रुपये काट के 500 रुपये आपका वापस कर दिया जाएगा। और 775 से 783 तक की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये शुल्क लगेगा। ठीक है, जिनको छूट प्राप्त है, जैसे महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी, भूतपूर्व सैनिक, इनका पूरा शुल्क वापस होगा। बाकी कैटेगरी में 100 रुपये काट के 400 रुपये एग्ज़ाम देने के बाद आपका वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, वो आपके बैंक खाते में डायरेक्ट आ जाएगा जब आप वहाँ जाएंगे पेपर देने, उसी टाइम पे आपसे जो है ऑनलाइन आवेदन में खाता विवरण भराया जा रहा है, उसी में आपका पेपर देने के बाद पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, जो ऑनलाइन आवेदन कर लेते हैं, मान लीजिए किसी रीजन से फीस नहीं पे कर पाते, तो आप 11 सितंबर को 2 बजे तक भी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान पोर्टल पर कर सकते हैं।
जिससे कि आपका पेमेंट हो जाए। अगर फॉर्म सबमिट हो गया, किसी रीजन से पेमेंट नहीं हुआ, उस केस में आपको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो 27 से 10 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके पहले पहले आप लोगों को फॉर्म भर लेना है। एंड अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा। अभी थोड़ी देर में आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट अगर आपका रह गया वैकेंसी को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जरूर वहाँ पर रिप्लाई करेंगे।